देखिए तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं। अब आज हम एक्सरसाइज 6.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th की ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.4 की हम बात करने वाले हैं, ट्रायंगल्स चैप्टर, ठीक है। क्लास 10th का है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। क्यूपी और आर का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल जो है बराबर होगा, सही है। प्रूव दैट क्यूएस बाय एसआर, QS by SR किसके रेशियो के बराबर है, PQ by PR के रेशियो के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन जो है लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी, और ठीक है हमने इसको आगे बढ़ा दिया है, इसको कुछ नाम भी देते हैं। मान लिया हमने T दे दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है QPS, ये QPS इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और QTR इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, और उसके बाद इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। जब इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हमारे पास एक रेशियो बन जाएगा, कुछ इस तरह का रेशियो होगा, जिसमें एक छोटा सा माइनर चेंज करेंगे हम और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्यूटी किया है, ड्रॉ क्यूटी या फिर एक्सटेंड क्यूटी जो भी लिखना चाहे, और टी आर, ठीक है, सच दैट पीएस पैरेलल हो जाए टी आर के। पीएस किसके पैरेलल हो जाए, टी आर के पैरेलल हो जाए, ठीक है। ये रहा पीएस और ये रहा टी आर, थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि पैरेलल है ये, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करते हैं, सबसे पहले क्योंकि पीएस पैरेलल टी आर है, कंस्ट्रक्शन से हमने पीएस को टीआर के पैरेलल कर दिया, तो क्या होगा इसमें एंगल एसपीआर जो होगा, एंगल एसपीआर वो बराबर होगा एंगल पीआरटी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए कौन कौन सा है, एंगल एसपीआर ये वाला, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, ठीक है। एंगल एसपीआर ये वाला और एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी ये वाला है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर से अगर हम यहां पर देखें, अगर मैं अलग से इसको कर दूं तो ये रही दोनों लाइन है जो कि पैरेलल है, ठीक। अगर यहां पर अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान ले पी आर को, तो ये वाला और ये वाला है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये, तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। ये समझ में आया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये बराबर होंगे। फिर क्या है, आगे हम लिख देंगे एंगल QPS बराबर होगा एंगल PTR के। अब इसको भी देख लेते हैं कहां है ये QPS, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं स्टार से ये कर रहा हूं, ये एंगल QPS और कौन सा एंगल PTR, PTR ये वाला जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, अब ये देखो यहां पर भी मैं इसको समझा देता हूं कि ये रहा ये री पैरेलल लाइन, ठीक, और ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसी तो है ये, है ना। तो ये वाला और ये वाला होगा कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से क्या करना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इनको मिटा देता हूं, फिर मैं इसी यहीं पर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा था ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, ठीक। देयरफॉर इसलिए एंगल पीआरटी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल पीटीआर के। एंगल पीआरटी किसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल हो गया बराबर किसके, एंगल पीटीआर के। क्यों हो गया, क्योंकि देखो कि ये वाला एंगल बराबर था इसके, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम पहली लाइन ही पढ़े क्वेश्चन की कि पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि एंगल क्यूपीएस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में बराबर है, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है कि क्यूपीएस बराबर है एंगल एसपीआर के, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
ये समझ में आया? अभी आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये भी है कि पी आर बराबर होगा पी टी के, है ना। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर एंगल बराबर है तो इसके अपोजिट जो है साइड जो होती है वो भी इक्वल होती है। तो अब हम जो करना है वो करते हैं सीधा, ट्रेंगल एस क्यू पी एंड ट्रेंगल पी आर क्यू टी, इसी के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। क्या कहा था कि हम ले रहे हैं पी क्यू एस को, इस वाले ट्रेंगल को लेते हैं और किसको लेते हैं, और इस वाले ट्रेंगल को लेते हैं पूरे वाले को, ठीक है पूरे ट्रेंगल को। तो क्या होगा, आर क्यू टी पूरे वाले ट्रेंगल को लिया, तो अब हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। एंगल क्यू पी एस जो है वो है एंगल क्यू टी आर के बराबर, ये अभी प्रूफ किया हमने। एंगल क्यू पी एस किसके बराबर है, एंगल क्यू टी आर के, है ना, ये प्रूफ किया। ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले की। और क्या है, और एंगल क्यू एस पी बराबर है एंगल क्यू आर टी के, एंगल क्यू एस पी, क्यू एस पी ये वाला जो है वो बराबर होगा एंगल क्यू आर टी के, क्यू आर टी के। तो इस तरह से ट्रेंगल एस क्यू पी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल आर क्यू टी के, एंगल एंगल क्राइटेरियन से, एंगल एंगल क्राइटेरियन से, और एंगल एंगल क्राइटेरियन से बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्यू एस बाय एस आर इक्वल क्यू पी बाय पी टी, यही तो होगा। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो पी टी जो है वो पी आर के बराबर है, अभी शुरुआत में अभी हमने यहां पर ये बताया ना, पी टी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो क्यू एस बाय एस आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी बाय पी आर के, यही प्रूफ करना था, हेंस यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया एक बार फिर इसमें दिखाते हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से अब मैं शुरुआत से इसको आपको एक और बार समझा दूँ। तो ये था हमारा, ये पूरा ट्रायंगल था, इसमें जो हमने डॉटेड लाइन से किया है वो कंस्ट्रक्शन की है, ठीक। तो क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया। तो शुरू करते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा इसको समझा देता हूँ जैसे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन में लाइन बताई हुई थी कि पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर, पी एस बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर थे, है ना, एंगल क्यू पी एस और एस पी आर जो है आपस में बराबर। अब क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्यू टी को आगे बढ़ा दिया हमने, क्या किया क्यू टी को आगे बढ़ा दिया यहां पर से ये, और इसको यहां पर से ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या किया, कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया कि ये पी एस ये वाला और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हो जाए आपस में, ये क्या हो जाए पैरेलल हो जाए आपस में, ये किया तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बराबर हो गए, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको किस तरह से बराबर हुआ। तो इसके लिए क्या हुआ, देयरफॉर क्योंकि आपस में बराबर है तो एंगल पी आर टी एंगल पी टी आर के भी बराबर होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो है इसके बराबर है और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, सही, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये वाला आपस में बराबर, तो इसलिए ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हो गया। अब पी आर इक्वल टू पी टी हो गया, क्योंकि अगर एंगल पी आर टी अगर इसके बराबर है, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो अपोजिट साइड जो है वो भी बराबर होंगे। अब एंगल एस क्यू पी और एंगल आर क्यू टी लिया, एंगल एस क्यू पी ये वाला छोटा ट्रायंगल ये लिया और पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लिया, क्यू पी एस क्यू टी आर के बराबर है प्रूफ किया, और एंगल क्यू एस पी क्यू आर टी के बराबर है, तो एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये बराबर हो जाएगा। और फिर हमने इसको क्यू एस बाय एस आर क्यू पी बाय पी टी हो जाएगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई एंगल सिमिलर हो जाए तो उसके लिए। लेकिन इसमें जो पी टी है वो किसके बराबर होगा, वो पी आर के बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया है, किया था ना प्रूफ, इस तरह से पूरा हो जाएगा, ठीक है।